तो अगली खबर रायपुर से, जहां नतीजों से पहले बयानबाजी और भाजपा और कांग्रेस में सोशल मीडिया पर वार भी छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा का पोस्ट, लिखा कांग्रेस में सन्नाटा पसरा है, कांग्रेस ने किया पलटवार, तूफान आने तक समंदर शांत रहता है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई कांग्रेस में मतदान के बाद कुंठा तिनी पनप गई कि हार का डर मन में बैठ गया, और इस तरह के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया, तूफान आने तक तो समंदर शांत ही रहता है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में रार थनी हुई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, नतीजों से पहले बयानबाजी पूरी तरह से तेज है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी का असर सोशल मीडिया पर भी दिखने को लगा है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी वार कर रही है तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है और पलटवार कर रही है कि तूफान आने तक का समंदर शांत रहता है। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा है कि तूफान आने तक का समंदर शांत रहता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से सामने आई, जहां नतीजों से पहले बयानबाजी पूरी तरह से दोनों ही पार्टियों में तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर छिड़ चुका है। छत्तीसगढ़ भाजपा का पोस्ट सामने आया, जिस तरह से भाजपा ने पोस्ट किया कि कहीं ना कहीं खामोशी बड़ी है, कांग्रेस में सन्नाटा पसरा है, तो कांग्रेस भी चुप नहीं रहने वाली। कांग्रेस ने भी इसका जवाब दे दिया है कि भाई समंदर तो शांत रहता है। छत्तीसगढ़ भाजपा के पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों ही पार्टियों की ओर से पोस्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं पहले भाजपा ने पोस्ट किया और कहा है कि कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि तूफान आने से पहले समंदर शांत रहता है। तो अब सोशल मीडिया पर भी ये टकराव देखने को मिल रही है, लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष में वोट कर रही है, उसी के तहत यहाँ पर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है।